चलिए चलिए आप रेणु भाई और आश्रम का हर काम इनको मिल जाएगा। छब्बीस तारीख को वापस चले। छब्बीस आज तो हो गया कितना 23 और 3 दिन उसका दस काम कर जाएंगे का मिनिमम बता देना उसे भी फटाफट इन्होंने छोटा उम्र से ही प्रभु जी का शरण में आ गए। इनका घर में टोटली डिवोटेड है क्योंकि उनका बड़ा भाई छोटा भाई से शुरू होकर सब परिवार कोई काम हो जाता ये ऑफिस में काम करते हैं फिर भी हर काम में इधर हर काम में पूजा होगा यज्ञ होगा कोई डेवलपमेंट काम होगा जिस काम में होगा प्रभु जी इनको पहले बुलाएंगे कोई सत्संग होगा तो बुलाएंगे कैसे होगा कैसे लेना है कैसे लेकर आना है क्या पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा अगर ये सारे चीज इन्होंने देखते हैं ऐसे नाम के वास्ते तो उन्होंने घर में रहते हैं उनका शादी भी हुआ है सब कुछ हुआ है नाम के वास्ते घर में रहते हैं लेकिन ये घर उनका है ओरिजिनल घर यही है। गृहस्थी के नाम पे आश्रम चल रहा है। बहुत सारे टाइम प्रभु जी ने उनका घर में भी गए हैं। अब कुआं था अब तो मुंह तो जन्नत मोरा अध्याय है ना मुंह आपकी जन्नत है ज्यादा बोलो भैया मतलब कोई लागू उतर कोई देखो कुछ इस वक्त तो आविर्भाव मौसम का जो घर है ना उसी कमिटी में निर्णय है ये जो काम हो गया कैसे कैसे सब जी चीज जाएंगे टेंट फेंट सब वापस जाएंगे फिर वो कैसे अच्छा उसका वो देखे ठीक है आप लोग आए हैं तो फिर तो आना ही पड़ेगा ना काम तो है अब जाओ ठीक है एक 5 मिनट बैठ कर लोग को बता कर जाओ। हम लोग जो पहले इधर हेलो ଆମ ଯାଇ ସେ 4 ବର୍ଷ ଠାକୁର ଆମ ବଡ଼ ଆମେ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ସାନ ମାନେ ଆଉ ଭିତରେ ଯେତେ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଲୌକିକ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ସେ କରନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ଏତେ ବନ୍ଦ ଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ତା କଥା କାଲିର କ'ଣ ଅଲୌକିକ ନାଇଁ ଆଜିର ଅଲୌକିକ ନାଇଁ ସବୁ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଯାହାକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଅଲୌକିକ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯାହାଟା ସେ କରିଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ନା ଗରିବ ପିଲା ଥିଲୁ ତ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ସବୁ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ବତା ରହେ ଯେ 1968 ମସିହା ମେ ଇଏ ବାତ ବତା ରହେ ତ ଇନ୍ହୋନେ ବତା ରହେ କି ଉନକା ଯେ ଉମର ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀ ସେ 4 ସାଲ କମ୍ ହେ ଲେକିନ
इन्होंने पढ़ाई इतना ज़्यादा की नहीं, ठाकुर जी पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद भी वो प्रभु जी जो जो लीला दिखा रहा था उसी लीला में उन लोग सोच रहे हैं कि प्रभु जी पढ़ाई किया है इसीलिए ऐसी लीला कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हो रहे हैं। इस वक्त तो कुछ हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसी वक्त उनके साथ जो बात हुआ था खेल रहे थे ऐसी लीला किए थे ना, वो उन लोग को पता भी नहीं चला ये पढ़ाई किया है इसीलिए उन लोग ऐसी लीला कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, ऐसी बनाता रहे। लेकिन इस वक्त उनको मालूम पड़ रहा है वो पढ़ाई की बात नहीं, ये लीला का बात है। जो सब कले चारोटी कहवापी जहाँ सब देखल कि जहाँ सब जानलु आम कहवाप मना कले सी आर वर्ष भुवनेश्वर थे मार्च मस 19 तारीख दिन से दिन कहवापी चारोटी कथा जमा कर चारोटी कथा जहाँ एमती गोटे कम जिनस देखी जो कलीजुगर एपर्त देखी एमती कौन गोटे जिनस धरीचु जो कलीजुग कई धरी ना एमती गोटे कौन शुणीचु जे कई शुणी ना एमती गोटे कौन चाखीचु जो कई चाखी ना ये चारोटी कथा मत परमिशन मैंने बोला है क्या ये 40 साल का बाप, ये 40 साल का जो बात उनके साथ हुआ है प्रभु जी के, ये 40 साल का बात एक मिनट के पाँच मिनट के अंदर ये ख़त्म नहीं होगा, फिर भी जो मेन मेन बात हुआ है वो बता रहे हैं। तो इतना दिन प्रभु जी उनको बोले थे किसी को मत बताना ये सारे चीज़, सारे लीला जो हुआ है, सारे चीज़ उन्होंने जो देते हैं, जो उनके साथ बीते हैं, तो किसी को मत बताना है। तो अगले पिछले साल का मार्च महीने में हम भी उधर थे लीलाधिघर में, तो उनको बुलावा आया था, उन्होंने उधर गया था। उसी टाइम में प्रभु जी ने बोले क्या, आप इसी सारे चीज़ से चारों जो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये निकाल लो। चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये आप इस कलयुग में है कोई ऐसा चीज़ है जिसने किसी भी नहीं खाया है, ऐसा कोई अस्त्र है जैसे किसी भी नहीं यूज नहीं किया है, ऐसे कोई बात है जो किसी भी नहीं कोई भी नहीं बोले हैं, जो लीला में आप देखे हैं उसका अंदर ये सब है, वो चारों को इम्पोर्टेंस देकर उनको बताएं, आप ये चारों को खाली लोगों को बताओ, हमारे भाई लोग को बताओ ये यही चार, ठीक है रेनू भाई। আমি জানিবা আমার জানা চেতনা আসছে সব লোক আসলে এটিকে কম ঠাকুর ঠাকুর কহিলে কিন্তু সেপাই ঠাকুর কম কৌ না আমি আগে দেখা সব চাহিদু না। हाँ बोला क्या, जब 18 साल हुआ तब प्रभु जी का 18 साल हो गया तो गजपति से महाराज लोग आ रहे हैं, साधु संत लोग आ रहे हैं, लेकिन इन लोग को पता नहीं चल रहा है किस लिए आ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तब उसी दिन में महापुरुष मान जो लिखी गई थे उनका जो मालिका में लिखा है कि ऐसे ऐसी लीला करेंगे, ऐसे ऐसी करेंगे, उन लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त उन लोग पकड़ा आप बोलिए क्या क्या है क्यों ऐसे हो रहे, तो कुछ चीज उनको दिखाया है, उन लोग को दर्शन हुआ है। वो चीज अढ़ाई घंटा पाई जब 18 वर्ष रे अढ़ाई घंटा पाई गोटे छोट कृष्ण हो गए थे वो जिस दिन उन्होंने 18 साल का हुआ था और उसी उम्र में वो ढाई घंटे के लिए छोटा बालकृष्ण है ना, बालकृष्ण की तरफ बन गया, ढाई घंटा बालकृष्ण की तरफ बनकर रह गया। খেলা বেড়ে পিলা মানে কে শোষ হব তো সে শোষ হল না আমি কহলে যে অধাড়িয়া হব কিন্তু জাঁ হবনি
ସେ ଆମକୁ ବୁଢା ଶୋଷରେ ବୁଢା ଉଠା ପାଟି କୁହନ୍ତି ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ବୁଢା ଉଠା ହଁ ତାଙ୍କ ବୁଢା ଉଠା ଓ ଖେଲ୍ରେ ଖେଲ୍ରେ ପାନି କା ଢୁଣ୍ଡେ କି ଜରୁରତ ନାଇଁ ହେ ମେରା ଯୋ ଆଙ୍ଗୁଟା ହେନା ଆଙ୍ଗୁଟା ମୁହେ ଡାଲ ଚୁସିଲେ ସାରେ କୈସେ ଟେଷ୍ଟ ଥା ମିଠା ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଠା ଆଉ ଗୋଟା ଯୋଉ ମିଠାଟା ସେ ମିଠାଟା ଆମେ କହିପାରୁନୁ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତରୁଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଠର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ତରୁଣ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସାତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସାହି ପଟେ ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଇନି ସାରେ ଲୋକ ଆରେ ଶୁଣିବାଟା ତ କେମିତି ଶୁଣେଇ ପାରିବୁନୁ ତାକୁ ଶୁଣିବ ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟା ହୁଏ ଯେ ସବୁ କମ୍ପନ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଟା ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହା ଫେରେ ଇଏ ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଅଢେଇ ଦୁଇଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟରେ ରାତି ଏଇଟା ଇଏ ସବୁ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଦିନ ଧରିଲା ହଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ସେଇଦିନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେ ଶୁଣିଲୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ଶବ୍ଦଟା କିଏ ଶୁଣିଥିବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରୁଦିନ ସେ ତ ବାହାରିଲେନି ସେଠି ଛାତି ଫାଟି ଫୁଟିଲା ସକାଳକୁ ସେଇଦିନ ତୁ ବସ୍ତ୍ର ଘରେ ହେଲେ ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପହିଲେ ଖୋଲା ହୁଆ ଥା ଉସି ଦିନ ରାତ କୋ ଦୋ ବାଜେ ଦୁଇଟା ଦୋ ବାଜେ ଆଇସି ଶବ୍ଦ ହୁଆ ହେ ଲୋକ ସବୁ ଡର ଗିଆ କ୍ୟା ହୋ ରହା କେସି କେସି ଏଇସି ଶବ୍ଦ ହୁଆ ରେ ଏଇସି କେସି ଶବ୍ଦ ଆ ରହା ଉସି ଶବ୍ଦ ସେ ଉନ ଲୋକ ଯୋ ପ୍ରଭୁଜୀ କେ ପୂଜା ଦେଖା ପ୍ରଭୁଜୀ କେ ଇଧର ଖୁଲ ଗଯା ଥୋଡା ବଢ଼ିଆ ଗଯା ଉସି ଦିନ ସେ ଇସକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ହା ତ ଜିତନା ଗର୍ମୀ ହେ ଜିତନା ଠଣ୍ଡି ହେ ହର ଟାଇମ ଉସକେ କପଡା ତ ଏଇସି ତ କପଡା ରହେଗେ ଉସକେ ସାଥ ଆଉରେ କପଡା ଲପକ ରହେଗେ ହେ ପୁରା ଏଇସି ତ ଇସି ତକ इतना गर्मी में भी तो उसको उन लोग सब लोग दर्शन किया है उसी वाइब्रेशन ऐसा और वो उसके बारे में बता रहा हूँ वो उसका वाइब्रेशन वो देखने के लिए सारे लोग का जग भी नहीं है तो जग भी नहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात हम बता करना चाहते हो वो कमला देवी है ना उसका आँख के बारे में ये दर्शन किया था ना प्रभु जी ने उसको बताए थे जो हम सुना है मेरे को मालूम नहीं ज़्यादा मालूम है प्रभु जी ने उनको बताए थे उसको खुलने के लिए मत खुलने के लिए तो बोला कि उसका बहन है तेरे तो सारे लोग को देखा रहा मैं तेरा बहन हूँ मेरे को क्यों नहीं ये पद चिन्ह क्यों नहीं क्या है तेरा छाती में क्या तू क्यों नहीं मेरे को दिखाएगी नहीं तू खोलेगा तो फिर तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा वो जबरदस्त खोल दिया मेरा भाई तो है उसका उन्होंने ये नहीं सोचा जी ये मेरा वो प्रभु जी ने बता रहे उसके बाद उन्होंने क्या कहा जब खोला उसका आँख धीरे 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 ठीक है नहीं ବତାଙ୍ଗେ ଏନର୍ଜି ଚେକ୍ କରତା ହେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମା ଇସକୋ 2 ମିନିଟ୍ ବାଦ ଲାଷ୍ଟ ସୁନ୍ ଲେ ମେରି କ୍ୟାସେଟ୍ ଖତମ ହୋ ରହି ହେ ଏକ ଲାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ହେ ତିନ୍ତା ହେଲା
ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ କହିଲ ଯେମିତି ସେ ବାଲକୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କହିଲ ବଡ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ କହିଲ ଯେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏମିତି ହେଲା, ଫୋର୍ଥ ଚାରିଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଯାହା କହୁଛ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା ଯାହା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଜୀ ଚିହ୍ନ ଏକାଟା କୋଇ ନହିଁ ଦେଖା, ଏକ ଦୋ କୋଇ ଏକ ଦେଖାଏ, କୋଇ ଦୋ ଦେଖାଏ, କୋଇ ପାଞ୍ଚ ଦେଖାଏ, ଐସି ଐସି ଜୈସି ଜିସ୍କା ମିଲନା ବାଲା ହେ ଐସି ସେ ଉନକୋ ମିଲା ହେ ହଁ। ଇସକେ ବାରେ ମେଁ ଔର ଏକ ବାତ ହେ, ଓ ଯେ ନନ୍ଦ ଭାଇ କା ୱାଇଫ ହେ ନା, ଆପ ଆପକୋ ହମ ବୋଲେ ଥେ ହେ, ଓ ଭି ବହୁତ ସାରା ଚିଜ ଦେଖେ ହେ ହେ, ଉନୋନେ ଭି ବତାଏ ଥେ ମେରେ କୋ, ଜୈସି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ ଦୂସରା ଜୋ ହେ ଓ ସବ ଲୋକ ଚଲା ଗୟା ଉଧର ଜଗ ମେ, ଜଗ ମଣ୍ଡପ ବନାନେ କେ ଲିଏ। ତୋ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନେ उनका छोटा भाई विपिन भाई को बताया, तू आज प्रभु जी का सेवा में रह जा, रात को उधर रह जाएंगे। तो उसी रात में कोई लक्ष्मी का रूप में प्रभु जी के स्मरण किए हैं, जब लक्ष्मी का रूप में प्रभु जी के स्मरण किए हैं, प्रभु जी तो लक्ष्मी का रूप में चला गया है। तो जब वापस आते हैं दर्शन देने के बाद, तो एक मंत्र है वो उनका बड़ा भाई को मालूम है, वो मंत्र उच्चारण करने के बाद प्रभु जी अपना ऐसी रूप में आते हैं, लेकिन वो तो नहीं है, इन्होंने खाली है, इनको मंत्र भी मालूम नहीं है, क्या करे प्रभु जी ऐसे आकर बैठ गया इन्होंने। मोर उपाय कहसी कौन कल ना, मोर गोटे मुझे जानी सब घटे हुए, मुझे मत जो बीज मंत्र दे थे से बस श्रवण कल, से श्रवण कला से मत गोटे शब्द शुभिला, शब्द टा कह गए शब्द शुभिला ଯେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ, କିନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିନା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭିଲା, ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭିଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ବସିଲା ଉଠିଲି ନାହିଁ, ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଆସିଥିଲା, ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଆଉ ପଢ଼ିଥିଲି ଆଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା, କ୍ଷୀରଗୁଡ଼ା ବହିଯାଉଛି, ସେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ପରେ ଯେ ସେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଧକ ଜଣେ ଚାହିଁଥିଲା, ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ତିନିଟି ଅକ୍ଷର ଆଇଥିଲା, କହିଥିଲେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକି ଦେଖିଛି, ଦେଖିକି ରଖିଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ଡାଇରୀରେ, ସେ କହିଲେ ଡାଇରୀଟା ଆଣ ଦେଖିଲା, ଡାଇରୀ ଆଉ ନାହିଁ କି ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। रात को जब प्रभु जी का ऐसे लक्ष्मी माँ के रूप में आए हैं, तो दर्शन देने के बाद वो साधु संत ने प्रार्थना किया था जे प्रभु का ऐसी उनका जैसे हमारा दूध निकलता है ना ऐसे निकल, तो ऐसे निकल रहे प्रभु जी आगे ऐसी बात उसको समझ लेंगे कौन, उसका मंत्र मालूम नहीं, तो वो क्या बीज मंत्र बोलने लगा, बीज मंत्र को बोलने के टाइम एक शब्द हुआ, शब्द होकर जब वो सोचा क्या और एक उसका अंदर वो एक एक अक्षर मंत्र जो होता है वो बोला एक अक्षर मंत्र कौन है उसको भी मिल नहीं पाता, तो उसके बाद वो अक्षर उसके सामने आ गया, तो वो अक्षर देखकर वो अक्षर पढ़ लिए, ऐसे अक्षर आ रहे, तो जैसे अक्षर पढ़ लिए धीरे 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 प्रभु अपना शरीर में आ गए, अपना रूप में साधारण रूप में आ गए। तो उसी रात में ये हो सकता है उनको दिखाने के लिए प्रभु जी ऐसे किए हैं, क्योंकि उनका बड़ा भाई रहते हैं ना, तो दिखाने के लिए ऐसे किए हैं, क्योंकि ये बात में उन्होंने ही बताएंगे ना, इनका रूप ऐसे उन्होंने देखे हैं, उनको बताना था ये सब कुछ, इसलिए तो उन्होंने क्या किया वो बात को जो उधर अक्सर आया था उसको उस साइड में प्रभु जी का डायरी था, तो प्रभु जी का डायरी में लिखती है, उसके बाद प्रभु जी जब अपना शरीर में आए तब उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात हुआ था, ऐसी ऐसी बात हुआ था, ऐसी मंत्र आया था, हमने देखा किधर है, जब डायरी खोल कर देखा वो मंत्र नहीं, गायब हो गया। ऐसी बात है, तो इतना इसीलिए ऐसे रूप से तो आप देखेंगे ऐसे कि एक गमछा लगा कर ऐसे घूम लेंगे, कितना संत महात्मा कितना सालों से कितना कैसा तपस्या कर कर उनको ध्यान कर रहे हैं, ये उनका पाठ पैर के उधर बैठ कर उनको दर्शन कर रहे हैं, कितना रूप से दर्शन कर रहे हैं।